हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। कबाड़ी वाले लोहे टीन प्लास्टिक वाले मुझे भी अभी आना था भाई साहब। दोस्तों कैसे हो आप? तो गाइस आज वीडियो में रियलमी 3i। आप सोचेंगे यार क्यों पागल बना रहा है 2020 में रियलमी 3i। गाइस पागल मैं नहीं, पागल उस दुकानदार ने बनाया जो यार मेरे पड़ोसी को रियलमी 3i नए के नाम पर दे दिया। और गाइज उसे बस एक फ़ोन चाहिए था, गया था लेने और उसने अपना प्राइस रेंज बताया, उसको इसने पकड़ा दिया कह के कि ये नया स्मार्टफोन है। तो गाइज हमारा क्या पड़ोसी, उसने पूछा भी नहीं मेरे से। मैं कहा कोई नहीं यार, तेरी मर्जी, अब ले ले, हम तो अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू दे देते हैं आपको। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो अभी तक। आपको मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के फ़ोन रिव्यूज़ अनबॉक्सिंग मिलती रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यह है इसका बॉक्स, कुछ आगे रियलमी 3i वही पुराना बॉक्स है, न्यू में भी ऐसे कुछ येलो कलर का था बॉक्स और आगे रियलमी की ब्रांडिंग और साइड में भी रियलमी 3i, इस साइड भी रियलमी 3i और ऊपर रियलमी की ब्रांडिंग और नीचे कुछ फीचर्स बताए गए हैं फ़ोन के बारे में और प्राइस वगैरह लिखी गई है और पीछे भी आपको हल्की फुल्की मेड इन इंडिया वगैरह लिखा गया, मॉडल नेम वगैरह रियलमी 3i की मेड इन इंडिया बनाया गया है। और गाइस जल्दी सब इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस बॉक्स ओपन होते आपको बॉक्स आपको पता है रियलमी का येलो कलर का देखने को मिलता ही है। और अब उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें सामने तो हे वेलकम टू रियलमी फैमिली और नीचे रियलमी। गाइस अभी इस बॉक्स को रखते हैं थोड़ा साइड और सामने की तरफ हमारा प्यारा सा रियलमी 3i जो कि यार 2020 में बेस्ट ऑप्शन रहेगा ही नहीं। अब आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं इसके वर्सेस रियलमी C3। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डिज़ाइन डायमंड कट आपको पता है, इसमें एक पिंक कलर एक ये था डायमंड कट में और सामने की ओर एक डिस्प्ले। और बॉक्स के अंदर की बात करें तो आपको एक कार्डबोर्ड सा और अंदर आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक डाटा केबल भी मिल जाती है USB टाइप जो कि एक USB ट्यूब माइक्रो USB है और अंदर आपको येलो कलर का दिख जाता है प्लास्टिक भी। और गाइस और आपको बॉक्स में कुछ नहीं दिखता, फुल येलो बॉक्स था अंदर से तो, और वाइट। अब रखते हैं सब बॉक्स को साइड में। और गाइस जिस वाले बॉक्स की बात करें जिसमें इसमें आपको बस एक सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पे एक कवर देखने को मिल जाता है और फ़ोन की बिल या यूज़र गाइड मिल जाता है। तो गाइस कवर कुछ आपको पता ही है, नॉर्मल कवर जो आपको रियलमी 3 में देखने को मिला था वही वैसा ही, थोड़ा हल्का सा हार्ड और रबर टाइप का यह सिलिकन केस है। उसके बाद अब इस सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और अब हम बात करते हैं फ़ोन के बारे में। अगर हम बात करें फ़ोन की फिज़िकल ओवरव्यू की तो यहाँ पे आपको एक 6.2 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है ड्यू ड्रॉप नोच के साथ। और यहाँ पे और फिज़िकल ओवरव्यू बात करूँ तो आपको नीचे की ओर एक स्पीकर ग्रिल USB टाइप और एक 3.5 mm का जैक दिया गया और एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको ट्रिपल सिम स्लॉट आप लगा सकते हैं। और बैक में आपको कैमरा और डायमंड कट डिज़ाइन और आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर ये देखने को मिल जाता है रियलमी C2 की तरह। और यहाँ पे जो बैक में आपको कैमरा दिया गया 13+2 MP का कैमरा दिया गया जो कि 13 MP कैमरा F1.8 अपर्चर के साथ और 2 MP का आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए यहाँ पे दिया गया। और आपको बैक में एक फिजिकल फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है और नीचे आपको रियलमी की ब्रांडिंग। और यहाँ पर राइट साइड की बात करो तो आपको एक बस पावर बटन दिया गया है और ऊपर आपको बिल्कुल ही क्लीन है, कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। फ़ोन के अंदर की बात करें दोस्तों आपको फ़ोन में आपको पता है MediaTek का P60 प्रोसेसर लगा हुआ है। और उसके अलावा बात करें तो आपको Realme UI नहीं अभी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ColorOS 6 पे ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत जल्दी आने वाला आपको Realme 3i में, ऑलमोस्ट 3 में तो आ ही चुका है, मेरे फ़ोन में भी आ चुका है, मैं आपको अपडेट की वीडियो देते ही रहता हूँ। और उसके अलावा आपको सेटिंग में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो वेरिएंट है यहाँ पे मेरे पास ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अभी एंड्रॉयड 9 पे ये चल रहा है। और फेस अनलॉक यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाता है, फिंगरप्रिंट मिल जाता है। और यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको 13 MP का यहाँ पे दिया गया है जो कि यार बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर किया गया है अब थोड़ा। और आपको मैं कुछ सैम्पल्स दिखाना चाहूँ इस फ़ोन के कैमरे की। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे का इंटरफेस कुछ इस तरह का और कैमरा जो अब थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा है रियलमी 3i का भी। और आपको मैं इसके कुछ मैंने शॉट्स लिए आपको दिखाना चाहूँगा फ़ोन में। तो यह तो नॉर्मल है, आप सेल्फी कैमरे से आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप बैक कैमरे से भी देख सकते हैं अंडर लो लाइट में। और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, कुछ कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी फ़ोटो की और ठीक ठाक ही था दोस्तों। और अभी मैं आपको लेके दिखाना चाहूँगा सेल्फ़ी कैमरे की।
तो गाइज़ यहाँ पे मेहनत पसीना आपको दिखेगा। और आपको अभी जो लाइटिंग है ठीक ठाक आपको दिखाता हूँ मैं एक सेल्फ़ी लेके। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ़ी यहाँ पे ठीक ठाक है। डिटेलिंग्स उतनी ज़्यादा खास नहीं है बट ठीक है, आपको एक एक बाल दिखा देता और पसीने भी ठीक है। और यहाँ पे मेरा फ़ोन में कुछ बचा नहीं आपको बताने के लिए। यहाँ पे आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है इन द बॉक्स, अभी अपडेट आपको जस्ट मिल जाएगा अगर आप लेते हैं। और रियलमी 3i आपको यार 10 महीने पुराना फ़ोन यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन यार 2020 में आपको दिखाना था क्या यह फ़ोन बेस्ट रहेगा या नहीं। और गाइस अब मेरे चैनल पर आपको रियलमी 3i और C3 के बीच में कंपैरिजन वीडियो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी यार ज़्यादा पुराना फ़ोन हो चुका है बट अभी नए फ़ोन भी लॉन्च भी तो नहीं हो रहे। बस रियलमी नार्जो 10a है तो भी बहुत जल्दी यार मैंने ऑर्डर किया आ जाएगा, तो अच्छी बात है, उसमें भी आपको कंपैरिजन दिखा दूंगा। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे यार ये फ़ोन अभी भी ठीक रहेगा यानी आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। आपको मैं दिखाने वाला हूँ कंपैरिजन वीडियो और इसकी फ़िज़िकल जो भी आप कह सकते हैं अंदर की चीज़ें के बारे में। और वैसे यार अभी भी ठीक ठाक है यार रियलमी 3i इन 2020। वैसे न्यू फ़ोन लॉन्चेस भी नहीं हो रहे हैं तो यार इस वीडियो को इतने रखते हैं। अनबॉक्सिंग वीडियो या मेरी ज़्यादा अनबॉक्सिंग नहीं होती, मेरे पे बस रिव्यू भी ज़्यादा होते हैं। तो गाइस यही बॉक्स जहाँ जहाँ फ्रेंड्स के आसपास पता चल जाता है कि फ़ोन लिया उसे नया, तो मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है यार, अगर आप मुझे सपोर्ट कर दे रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांड भी कंपनी भी हमें ज़रूर भेजिए एक दिन। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। तो मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।